हाय फ्रेंड्स, आम नेहा, वेलकम टू नेहाज किचन। आज मैं आप लोगों के साथ पिज़्ज़ा पॉकेट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है और बनाने में भी आसान होता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने 1 से 1.5 गाजर को फाइनली चॉप करके ले लिया है और शिमला मिर्च भी 1 से 1.5 ही लिया है मैंने, इसे बारीक कट करके ले लिया। थोड़ा सा कॉर्न लिया, जिसे मक्की के दाने भी बोलते हैं, और 5 से 6 ब्रेड की स्लाइस ली है मैंने। यहाँ पर 10 से 12 मैंने लहसुन की कली को बारीक कट करके ले लिया है। 12 से 14 मैंने काली मिर्च को कूट करके लिया है। इसकी जगह आप पाउडर भी ले सकते हैं, बट इससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, तो कोशिश कीजिए आप काली मिर्च का पाउडर ना लेके कूट कर लीजिए। और चिली फ्लेक्स लिया है मैंने यहाँ पर, और ये मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा सीजनिंग लिया है। आप चाहे तो इसकी जगह ऑरिगेनो भी ले सकते हैं। नमक लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, जिस हिसाब से आपको नमक चाहिए हो। और चीनी लेंगे 1 छोटी चम्मच के करीब यहाँ पर। और मैंने मोजरेला चीज़ लिया है, चीज़ यहाँ पर 1 कप के करीब लिया है। आप कोई सा भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। और टोमेटो सॉस लिया है मैंने, और यहाँ पर टमाटर को 5 से 6 बारीक कट करके ले लिया है। तो कढ़ाई रख दिया गर्म होने के लिए, इसमें थोड़ा सा तेल डाला 1 चम्मच के करीब। तेल गर्म होने पर यहाँ पर जो हमने बारीक कटी लहसुन को लिया था, इसे डाल देंगे। और इसे डाल करके लगभग हम 2 से 3 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर हम भून लेंगे। तो जब हमारा ये लहसुन भुन जाए, तो यहाँ पर जो हमने टमाटर को बारीक कट करके लिया था, इसे डाल देंगे। डाल करके मिक्स करेंगे। यहाँ पर हम पिज़्ज़ा सॉस बना रहे हैं पहले, तो अगर आप पिज़्ज़ा सॉस नहीं बनाना चाहते हैं तो रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो हमने नमक लिया था, उसे डाल देंगे लगभग आधी छोटी चम्मच के करीब। डाल करके मिक्स कर देंगे। नमक मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट तक हम पकाएंगे। जब हमारा टमाटर गल जाए, तो इसमें जो हमने काली मिर्च पाउडर लिया था, उसे डाल देंगे। और लगभग 1 से 1.5 छोटी चम्मच के करीब यहाँ पर जो चिली फ्लेक्स लिया है, उसे डाल देंगे। चिली फ्लेक्स डालने के बाद 1 चम्मच के करीब हम यहाँ पर ऑरिगेनो डाल रहे हैं। ऑरिगेनो डालने के बाद मिक्स कर देंगे अच्छे से। 1 से 2 मिनट तक और पका लेंगे हम। 1 से 2 मिनट के बाद ये जो हमने चीनी लिया था 1 छोटी चम्मच के करीब, इसे डाल देंगे। मिक्स कर देंगे अच्छे से। और लास्ट में हम टोमेटो केचप डाल देंगे। टोमेटो केचप डाल करके इसे 1 से 1.5 मिनट तक और पका लेंगे। 1 से 1.5 मिनट और पकाने के बाद यहाँ पर अब हम जो सब्जियाँ लिए थे, उसे डाल देंगे। सब्जियाँ डालने के बाद गैस का फ्लेम आप यहाँ पर हाई रखें, और हाई फ्लेम पर हमें 3 से 4 मिनट तक इसे कुक करना है। आप ध्यान दीजिए, सब्जियों को ओवर कुक नहीं करना है, नहीं तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते रहना है। गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई रखें आप, छोड़े ना इसे, चलाते रहेंगे। तो ये हम जो फ्रेश पिज़्ज़ा सॉस बना रहे हैं, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहे तो इसकी जगह रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। गैस का फ्लेम अब यहाँ पर ऑफ़ कर देंगे, और इसे हम एक प्याले में निकाल लेते हैं कुछ इस तरीके से। जब ये गर्म ही रहे, तो इसमें हम चीज़ डाल देंगे, तो इससे चीज़ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। इसमें ठंडा होने पर क्या होता है, चीज़ हमारा अच्छे से मिक्स नहीं होता है, इसीलिए जब ये थोड़ा गर्म ही रहता है, तभी हम मिक्स कर लेते हैं इसे। तो चीज़ को हमने मिक्स कर लिया स्टफिंग में। स्टफिंग बिल्कुल हमारी अब तैयार है। तो अब यहाँ पर हमें ये जो ब्रेड की स्लाइसेस ली है, उसे ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रेड के जो किनारे किनारे वाले हिस्से हैं, हम उसे कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ब्रेड के एजेस को कट करके निकाल लेंगे। तो सारे ब्रेड के किनारों को हमने इस तरीके से कट कर लेना है कुछ इस तरीके से, और इनके जो किनारे, इनको फेंकी ना, ब्रेड क्रम्स बनाने में यूज़ करें। तो अब इस तरीके से एक ब्रेड की स्लाइस लेंगे, और बेलन से हम इसे हल्के हाथों से बेल लेंगे। अगर आपके ब्रेड पुराने हैं, तो थोड़ा सा पानी का छींटा मारिए, तो इस तरीके से आप बेल के तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने सारे ब्रेड की स्लाइसेस को बेल लिया है, तो एक ब्रेड की स्लाइस इस तरीके से प्लेट में रख लेंगे, और बीच में हम स्टफिंग डालेंगे। ये जो हमने स्टफिंग तैयार करके रखी थी, इसको डालेंगे इस तरीके से बीच में। और अगर आप पहली बार बना रहे हैं, तो स्टफिंग थोड़ी कम ही डालिए, इसलिए क्योंकि ये फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो स्टफिंग डाल करके कुछ इस तरीके से हम इसे बीच में लेके आएंगे। और यहाँ पर एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले लेंगे हम। ये देखिए, इस तरीके से पानी ले करके ब्रेड के किनारे किनारे पर लगा देंगे। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि इससे जो हमारा ब्रेड है, जब हम इसे सील करेंगे, तो ये अच्छे से सील हो जाएगा, ये निकलेगी नहीं स्टफिंग तलने पर। तो कुछ इस तरीके से हमें दबाते हुए ब्रेड को सील कर लेना है अच्छे से। अगर ब्रेड सील नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा और पानी लगा लीजिए। कुछ इस तरीके से पॉकेट्स बना लेना है, और मैं एक बना करके आपको दिखाती हूँ। तो इस तरीके से स्टफिंग डालिए और इसे सील कर देंगे पानी लगा करके। अगर आपके स्टफिंग अगर अच्छे से हमने
नहीं डाली है या कम भी डाली है तब भी टेस्ट नहीं आता है, ज़्यादा डालने पर फट जाते हैं। तो पॉकेट्स तैयार है हमारे बन करके। कुछ इस तरीके से पॉकेट्स तैयार कर लिया है। तेल रख दिया गर्म होने के लिए कढ़ाई में। तो तेल हमारा जब गर्म होता है तो एक एक करके हम सारे पिज़्ज़ा पॉकेट्स को इसमें डाल देंगे। तो हमने सारे पिज़्ज़ा पॉकेट को डाल दिया। अब इसे पलट लेंगे कुछ इस तरीके से। पलट पलट कर हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। बहुत ज़्यादा इसे हमें भी नहीं कुक करना है। अगर आप चाहते हैं थोड़ा कम ऑयली खाना चाहते हैं तो आप जब ये पिज़्ज़ा पॉकेट बनाएं तो ऊपर से थोड़ी से मैदे में पानी डाल करके फिर उसमें डिप करके आप इसे तलें तो इससे तेल कम सोखता है। तो ये हमारे पिज़्ज़ा पॉकेट तल करके तैयार हैं। आप इसे निकाल लीजिए एक टिश्यू पेपर पर। इस तरीके से हम सारे पिज़्ज़ा पॉकेट्स को तल करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ ये कितना ज़्यादा यमी बना हुआ है। आप देखिए अंदर से कितना जूसी इसकी फीलिंग है। तो ये हमारा गर्मा गर्म पिज़्ज़ा पॉकेट बन करके तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक, नहीं भी अच्छी लगती है तो डिसलाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे अगली रेसिपी में। तब तक ले स्टे हैप्पी।